हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यूनानी फार्मेसी एंड डॉक्टर मोहिनी। फ्रेंड, आज मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि हर यूट्यूबर के लिए उसकी फर्स्ट पेमेंट आना बहुत ही खुशी की बात होती है। वो बेसब्री से इंतज़ार करता है कि कब उसके 1000 सब्सक्राइबर, 4 घंटा वॉच टाइम, फिर उसके बाद उसका चैनल मोनिटाइज होने के बाद फर्स्ट पेमेंट आ जाए। और जिस टाइम फर्स्ट पेमेंट आती है, उस टाइम बहुत ही खुशी होती है। तो वही खुशी का पल मेरे लिए मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार मोहब्बत से इस तरीके से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। कितनी पेमेंट आई है, क्या क्या परेशानी रही है, या बैंक की क्या क्या प्रोसेस रही, पूरा विस्तार से बनाऊँगा। इसलिए चैनल पर पूरी तरीके से बने रहे। मैंने अपना पहला चैनल AR हेल्थ केयर 1 फरवरी 2021 को स्टार्ट करा था। उसमें मैंने दवाई से रिलेटिव एलोपैथिक दवाइयां बताता, उसके वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन वहां पे मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। काफ़ी समय तक मैं वीडियो अपलोड करता था, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर हो रहे, थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे, तभी मैंने डिसाइड करा कि मैं दूसरा चैनल बनाऊँ। क्योंकि टैग चैम्पियन सपोर्ट जो है अंशु मौर्य सर और मनोज दे हैं, वो बार बार ये कहते हैं लोगों से कि आप जो हैं लगातार, अगर आपको एक चैनल नहीं चल रहा तो लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप दूसरा चैनल बनाएं और उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें। मैंने वही करा। मैंने 23 सितंबर 2021 को दूसरा चैनल बना दिया, जिसमें जो है एमन यूनानी फार्मेसी। इसमें मैं जो है दवाइयों से रिलेटेड जो देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, देसी दवाइयाँ होती हैं, उनकी वीडियो बनाने लगा। मेरी 23वीं वीडियो थी मिसमी, मैंने अपलोड करी थी। जब वो वीडियो चलना स्टार्ट हुई तो वीडियो इतनी चली कि वो अभी तक वीडियो रनिंग में है। उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, वॉच टाइम भी बढ़ा, डॉलर भी बढ़े और चैनल भी आगे बढ़ने लगा। आज के प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें उसमें तो 386K व्यूज़, यानी 386,000 व्यूज़ इस टाइम हो चुके हैं मिसमी टैबलेट पे। इस वजह से मेरा चैनल जो है ग्रो होने लगा और मैंने जो है ये फर्स्ट पेमेंट पाई है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या मुझे परेशानी हुई है। जो है मैंने ये चैनल बनाया था एमन यूनानी फार्मेसी का, फिर इसमें मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू की। इसमें वीडियो इतनी चली तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, फिर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। तो मैंने अप्रैल में जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई कि मेरा चैनल जो है कुछ वीडियो के अंदर ऐसी इमेजेस लग गई थी कि जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के यूट्यूब ने 3 दिन रिव्यू में रखा, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। उसमें जो है सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग कंटेंट आ गया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया। मैंने उसमें जो है 1 महीने के पीरियड मिला था मुझे, एक महीने में अपने जो है चैनल को जो है एडिट करें, वीडियो को एडिट करें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। तो उस पीरियड में मैंने जो है मुश्किल से 2-3 वीडियो बनाई होंगी, ज़्यादा नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा उब गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। लेकिन फिर जो है मैंने एडिट करने के बाद फिर जो है 18 मई को फिर अप्लाई करा मैंने, तो मेरा फाइनली चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर चलता रहा, फिर उसके बाद फिर मैंने गलती कर दी। इस टाइम मैंने गलती करी जो है थंबनेल में। थंबनेल में कुछ ऐसी इमेजेस लगा दी कि मेरा सितंबर में यूट्यूब ने फिर से मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया। मैं क्लिनिक पे गया, जब मैंने वहाँ पे देखा तो सब डॉलर मोनेटाइजेशन सब उससे हट चुके थे। बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। फिर ईमेल में जब मैंने चेक करा तो उसमें सेक्सुअल ग्रेटिफाइंग कंटेंट आ गया। फिर 1 महीने का मुझे समय दिया गया। फिर मैंने एडिट करी, फिर वहाँ पर जो है थंबनेल हटाए और फिर अब कान पकड़ लिए इस तरीके से कि अब कभी भी सेक्सुअल ग्रेटिफाइंग कंटेंट या कोई ऐसी इमेजेस नहीं लगानी है जिससे मेरे चैनल को परेशानी होगी। फिर मैं चैनल फिर जो है 1 महीने के बाद अप्लाई करा मैंने, फिर चैनल को रनिंग में लाए, फिर डॉलर आते रहते आते या मेरे जो है पूरे डॉलर कंप्लीट हो गए। अब बैंक की बातें बताते हैं। 22 जनवरी 2023 को मेरा मैसेज आता है कि आपको जो है एडसेंस से जो है पेमेंट रिलीज़ कर दी गई बैंक के लिए। अब बैंक में गए, 5 दिन के बाद बैंक में इंतज़ार करा मैंने, लेकिन पेमेंट नहीं आया। फिर बैंक में गया तो बैंक ने कहा KYC कंप्लीट करिए। KYC कंप्लीट थी मेरी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फॉरेन डिपार्टमेंट में आपको जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा। फॉरेन डिपार्टमेंट में गया तो उन्होंने कहा कि कम से कम 200 लोगों की पेमेंट आई है, जिसमें 70 से 80 लोगों की पेमेंट कर दी है, थोड़े से लोग रह गए हैं, उनके 2-3 दिन में पहुँच जाएगी। फिर मैं घर पर आ गया। फिर 2-3 दिन इंतजार करने के बाद फिर पेमेंट नहीं आई। फिर मैं फॉरेन डिपार्टमेंट गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वहाँ पे बात करी तो उन्होंने कहा आपको जो है अपने बैंक में ईमेल आईडी अपडेट करवानी होगी, आपकी ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, हम उस पर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो फिर मैं बैंक गया, बैंक जाके फिर मैंने ईमेल आईडी वहाँ पे एप्लीकेशन दी और ईमेल आईडी अपनी अपडेट करवा ली। फिर 2-3 दिन के बाद देखा फिर नहीं आई ईमेल। फिर मैं गया फॉरेन डिपार्टमेंट तो उन्होंने चेक करा, बोले हमने यहाँ से रिलीज़ कर दी है, आपकी पेमेंट आगे बढ़ा दी है, 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। फिर जो है मैंने देखा 23 फरवरी को मैं नहाने जा रहा था, इससे पहले मैंने देखा तो मेरे
जो है मोबाइल में मैसेज था कि आपके जो है पेमेंट अकाउंट में पहुंच चुकी है। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द बैंक जाऊँ, एंट्री करवाऊँ और पेमेंट निकालूँ। फिर मैंने जो है मेरे जो दोस्त हैं फैजान, जो हेल्थ इशू के हर्बल नॉलेज दो चैनल चलाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करी, उनसे अपनी जो खुशी जाहिर करी कि मेरी पेमेंट आ गई, वो भी बहुत खुश हुए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक चैनल पे जो है लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो दूसरा चैनल रहे, क्योंकि अंशु मौर्य सर जो टेक चैंपियन सपोर्ट चैनल जो चलाते हैं और जो है मनोज दे, इन लोगों का बार बार यही कहना होता है कि अगर आपका एक चैनल नहीं चल रहा तो आप दूसरा चैनल क्रिएट करें, दूसरा चैनल बनाएं। मैं जो है यही करा, मैंने भी दूसरा चैनल बना लिया और चैनल को बनाने के बाद अपलोड करनी वीडियो, लेकिन उसमें परेशानी बहुत हुई। दो बार चैनल डीमोनेटाइज हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वीडियो अपलोड करी, लगातार उस पर जो है नए नए कंटेंट लिए, लगातार थंबनेल बनाए। शुरू में थंबनेल मेरे बहुत बुरे होते थे और इस बार थंबनेल बहुत अच्छे थंबनेल बनाने लगता हूँ, क्योंकि अब तो थंबनेल अच्छे खासे मेरे बनने लगते हैं। ये सब परेशानियाँ मैंने आपके सामने शेयर करी, जो परेशानी को बताता हूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई। YouTube गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जो है पूरी क्लियर पेमेंट नहीं बता सकते। मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ जिसकी वजह आप ये जान सकते हैं कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। आप जो है Oppo का A16e मोबाइल जो है आप ले सकते हैं, जो 3G रैम वाला होता है, और उसमें भी कुछ पैसे आपको बच जाने। अब आप जाके नेट पर देख सकते हैं Oppo A16e 3G रैम वाला मोबाइल कितने का है, जो स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल पेमेंट छोटी हो या बड़ी हो, पहली पेमेंट आई है तो यार खुशी तो बनती है, और इस खुशी का राज आप लोग हैं। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया कि आज मैंने चैनल पे फर्स्ट पेमेंट उठा ली है, फर्स्ट पेमेंट प्राप्त कर ली है। अब जो है जल्द से जल्द आप लोग और खुशी दें और मैं हर महीने पेमेंट अपने जो है अकाउंट में लाता रहूँ। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।